मैं सुमंदर सिंह, मैं छत्तीसगढ़ से पुनः इस बार लोकप्रिय कार्यक्रम जन सरोकार मंच राजस्थान लोक उपस्थिति में भाई देवेंद्र जोशी जी के आग्रह पर फिर से मैं इस पटल पर आप लोगों के बीच अपनी धारदार और वैचारिक कविताओं को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरी कविताएं सामाजिक वेदना को, समाज की पीड़ा को और मानवीय संवेदना को उकेरने का मेरा प्रयास मेरी कविताओं में होता है। लीजिए फिर से मैं अपनी कविताओं को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी कविताएं आप सबको पसंद आएंगी। सबसे पहले कविता को लेकर जो भ्रांतियां हैं और कविता की स्थिति क्या है इसको लेकर मेरी एक चिंता है आज की कविता पर, आज की हिंदी कविता पर। मैंने इस कविता के माध्यम से इस बात को उठाया है। लीजिए प्रस्तुत है अब कविता। अब कविता तुलसी और कबीर की परंपरा से मुक्त होकर, अब कविता तुलसी और कबीर की परंपरा से मुक्त होकर द्वितीयकालीन कवियों की परंपरा में सम्मिलित हो गई है। अब कविता तुलसी और कबीर की परंपरा से मुक्त होकर द्वितीयकालीन कवियों की परंपरा में सम्मिलित हो गई है, इसलिए जन जन तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए जन जन तक पहुंच नहीं पाती, लोगों को समझा नहीं पाती, लोगों को जगा नहीं पाती। अब कविता नौ कलावाच का शिल्प पहनकर, अब कविता नौ कलावाच के शिल्प पहनकर जन भावनाओं से रिश्ता तोड़कर, जन भावनाओं से रिश्ता तोड़कर एकांत स्थान में जाकर आत्ममुग्ध होकर अपने आप में अपने आप से इतराती है। अब कविता संकुचित होती जा रही, अब कविता संकुचित होती जा रही जनमत से रिश्ते तोड़कर, अब कविता संकुचित होती जा रही जनमत से रिश्ते तोड़कर सिमटती जा रही विशिष्ट जनों के बीच में। थोड़ी बहुत शेष बची है कविता। अब कविता के विलुप्त हो जाने के खतरे, अब कविता के विलुप्त हो जाने के खतरे तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हे समकालीन साहित्यकारों और कवियों, मेरे सुझाव को मान लीजिए, इसे विलुप्त होने से बचा लीजिए, इसे जन जन तक पहुंचाना, अब कविता को जन जन तक पहुंचाना होगा, इसी से बची रह सकती है कविता और उसकी प्रासंगिकता और उसकी प्रासंगिकता। मुझे अगली कविता है, शीर्षक है कालिनी समाज में, तो कालिनी है करते हैं और हमारी आस्था के साथ हमारी मानवता के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे छल छत और अखंडी लोग हैं, उन पर एक व्यंगात्मक कविता आप उनके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शीर्षक है कालिनी। अब कालिनी भरे बाजार में खड़े होकर, अब कालिनी भरे बाजार में खड़े होकर अति अहंकार से युक्त होकर अट्ठाहस करते हुए जनमानस का मसीहा बनने का ढोंग करते हुए, अब कालिनी भरे बाजार में खड़े होकर अति अहंकार से युक्त होकर अट्ठाहस करते हुए जनमानस का मसीहा बनने का ढोंग करते हुए अपनी हथेलियों में दबोच लिया है जन भावनाओं को, अपनी हथेलियों में दबोच लिया है जन भावनाओं को, उसकी आस्था और विश्वास को। वह कालिनी अपने मुख से निकली मनमोहनी वाणी से, अपने प्रवचन के शब्दों से, वह कालिनी अपने मुख से निकली मनमोहनी वाणी से, प्रवचन के शब्दों से अपने आप को मसीहा मंडित करते हुए, अपने आप को मसीहा महिमा मंडित करते हुए जन भावनाओं को
सम्मोहित सम्मोहित कर लेता अपने तिलस्म में, चरण भावनाओं को सम्मोहित कर लेता अपने तिलस्म में, वह स्वांग रचाने की कला में शत प्रतिशत निपुण है। काल देवी स्वांग रचाने की कला में शत प्रतिशत निपुण है, उसके इस धोखाधड़ी के खेल को कोई समझ नहीं पाता, उसके इस धोखाधड़ी के खेल को कोई समझ नहीं पाता। वास्तव में वह बहुरूपिया लाखों लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए, आखिर वह बहुरूपिया लाखों लोगों के भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए अपना खेल खेल रहा, उसकी असलियत को आज तक कोई समझ नहीं सका। उस काल देवी की असलियत को आज तक कोई समझ नहीं सका। यह भी सत्य है कि दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है काल देवियों के काले कर्मों से। चाहे वह वर्तमान का हो अथवा रामायण युग का। अब कालनेमियों से इस समाज को कौन बचाएगा? रामायण युग के कालनेमी से तो हनुमान जी ने सबको बचाया था। किंतु आजकल के कालनेमियों से इस समाज को कौन बचाएगा? मेरी अगली कविता है टोकदीप। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं और इस तरह से पूरी दुनिया में माहौल है, हथियारों का हो, इसकी परिणति क्या होगी, इस कविता में इस बात को उठाया गया है। ये तो बहुत ही संवेदनशील कविता है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इस संक्रमण काल में सचमुच यह दुनिया तेजी से बढ़ती जा रही शोक दीपों की ओर, शायद मानव के हठ धर्मिता के कारण तेजी से निरंतर बढ़ते कदम वही रुकेंगे जब दुनिया में लगातार चलता रहेगा शोक सभाओं का दौर। आखिर क्यों दुनिया में निर्मित होते जा रहे आखिर क्यों प्रश्न है आखिर क्यों दुनिया में निर्मित होते जा रहे प्रणय मचा देने वाले हथियार, जब कभी इनका दुरुपयोग होगा उस समय यह दुनिया कैसी हो जाएगी, इसकी परिकल्पना मात्र से ही कांप उठेंगे आप। क्या यह गहरी साजिश नहीं है इस धरती के मानव के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध, संपूर्ण पशु और पक्षियों के विरुद्ध, हमारी पृथ्वी के विरुद्ध, इस ब्रह्मांड के विरुद्ध? ये अगली कविता है परिवर्तन की गई है। देखिए परिवर्तन शीर्षक है। परिवर्तन तीव्र गति से निरंतर हो रहे परिवर्तन से संभव है परिवर्तन के इस महाकुंभ में हम लोग परिवर्तित न हो जाएं मानव से मशीन के रूप में। मेरी अगली कविता है चार।
इस कविता में चिंता व्यक्त की गई है हमारे आपसी में इस तरह के जाल की जा रही है और दुनिया में ऐसा लगता है कि दुनिया जाल में फंसती जा रही है। तो ये प्रस्तुत है जाल। दुनिया भर के लोग जाल बुनते जा रहे हैं, दुनिया भर के लोग जाल बुनते जा रहे हैं, इसीलिए तो अब धरती पर जालों का सैलाब उमड़ पड़ा है। संभवतः हम लोग अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। सचमुच पहेलिया के जाल में दाने चुगने की लालच फंस जाती है चिड़िया। सचमुच जैसे पहेलिया के जाल में दाने चुगने की लालच में फंस जाती हैं पक्षियां जो कभी उड़ नहीं सकती। इस नील गगन में कुछ क्षण के लिए अपने भयावह भविष्य की खतरे को समझ नहीं पाती जाल में फंस जाती है मछलियां, जाल में फंस जाती है पक्षियां, किंतु उन्हें भयावह भविष्य का सामना तो करना ही पड़ता है हम लोग भी जाल में फंसी पक्षियों का जीवन जी रहे हैं लीजिए इसी क्रम में अगली करता है घुसपैठ। घुसपैठ निरंतर होते जा रहे चाहे वह हमारे रक्त संचार में हो श्वसन क्रिया में हो, हमारी मनोदशा में हो, हमारी संवेदना में हो, चाहे वह हमारी संस्कृति और परंपराओं में हो हमारे जीवन शैली में हो अब इसकी जड़ें तेजी से फैलती जा रही और गहरी होती जा रही है मैंने इस कविता के माध्यम से प्रेम प्रकाशित करने का प्रयास किया है। प्रेम का व्यापक स्वरूप होता है और मैं इस ऊपर प्रेम को परिभाषित करने में पाया। आप कविता सुनकर के आप लोग इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम पतझड़ में ऋतुराज बसंत है। सूखे तपते मौसम में वर्षा की फुहार है। कठोरता में भी कोमलता का एहसास है। घोर निराशा में भी आशा का संचार है। प्रेम जीवन की रगात्मक अनुभूति है। जो हमारी संवेदना को गहराई तक स्पर्श करती है इसीलिए तो इस सृष्टि के कण कण समस्त जीव जंतु भी
समस्त जीव जंतु भी प्रेम के भूखे हैं। जहाँ प्रेम है वहां स्वर्ग, जहाँ प्रेम है वहीं स्वर्ग है। इस अखिल ब्रह्मांड को, इस अखिल ब्रह्मांड में कणकण में प्रेम समाया है, इस अखिल ब्रह्मांड में कणकण में प्रेम समाया है। प्रेम सर्वव्यापक और अनंत है, प्रेम सर्वव्यापक और अनंत है। इसमें अद्भुत आकर्षण है, इसमें अद्भुत आकर्षण है। इस जगत की समस्त जीव जंतु प्रेम के, इस जगत के समस्त जीव जंतुओं के लिए प्रेम अमृत के सदृश है, प्रेम अमृत के सदृश है। मेरी अगली कविता है, गांव में बसंत। अपने हिसाब से आते हैं, लेकिन का जो सौंदर्य है आज उसको हम समझ नहीं पाते। आइए मैं वसंत का एहसास गाँव से कराता। गाँव का वसंत कैसा लगता है, वसंत का एहसास कैसा होता है? तो जी प्रस्तुत है गाँव में वसंत। धरती ने धारण किए नूतन परिधान, धरती ने धारण किए नूतन परिधान। खेतों को देखकर मचल उठे किसान। दूर दूर तक खेतों में खिल उठे हैं, दूर दूर तक खेतों में खिल उठे हैं पीले पीले सरसों के देखो फूल। दूर दूर तक खेतों में खिल उठे हैं पीले पीले सरसों के देखो फूल। गेहूं की फसलें अब लहलहा उठी, गेहूं की फसलें अब लहलहा उठी है। धरती के कोने कोने में हरियाली फैल चुकी है, धरती के कोने कोने में हरियाली फैल चुकी है। सुबह सुबह महुआ टपकने लगे हैं, सुबह सुबह महुआ टपकने लगे हैं। बागों में कोयल गीत गाने लगी है, गीत गाने लगी है। वसंती बयार रह रह कर उठने लगी है, वसंती बयार रह रह कर उठने लगी है। फूलों पर तितलियां नृत्य करने लगी है, नृत्य करने लगी है। पक्षियों के कलरव संगीत थिरकने लगा है, पक्षियों के कलरव से संगीत थिरकने लगा है। फाग के गीतों से गांव में चलने लगा है, फाग के गीतों से गांव में चलने लगा है। लीजिए एक बहुत ही अपूर्ण कविता आपके सामने रख रहा हूँ। आप सबने खंडहर देखा होगा, लेकिन उस खंडहर के बारे में खंडहर का निगार मान रहा होगा। और राजस्थान में तो खंडहर है, राजमहल जो पहले थे आज खंडहर के रूप में तब्दील हो गए। तो उस खंडहर के पीछे जो परिकल्पना हमारी है कि सैकड़ों वर्ष पहले खंडहर महल रहा होगा, और उस महल राजमहल की स्थिति क्या होगी, इसकी मेरी इस कविता के माध्यम से मैंने परिकल्पना की है। यह शीर्षक है, यह खंडहर कवि खंडहर को याद करते हुए, खंडहर को सोचते हुए खंडहर के बारे में इस कविता को सुनिएगा। यह सच है यह खंडहर जो कभी राजमहल हुआ करता था। यह सच है यह खंडहर कभी राजमहल हुआ करता था। कभी इसके भी दिन बहुत अच्छे थे, कभी इसके भी दिन बहुत अच्छे थे। इसका अतीत गर्मोकर्ष और पराकाष्ठा पर पहुंचकर, इसका अतीत गर्मोकर्ष और की पराकाष्ठा पर पहुंचकर अति अहंकार से युक्त होकर
गौरवान्वित हुआ होगा। राजा रत्नजड़ित मुकुट पहनकर, राजा रत्नजड़ित मुकुट पहनकर विशालकाय सोने की सिंहासन पर बैठकर, राजा रत्नजड़ित मुकुट पहनकर विशालकाय सोने के सिंहासन पर बैठकर अपने भाग्य पर इतराता होगा, अपने भाग्य पर इतराता होगा। यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। यहाँ का संपूर्ण वैभव और विलासता इस राजा के हिस्से में ही रहे होंगे। यह भी सत्य है, यहाँ की संपूर्ण वैभव और विलासता सिर्फ राजा के हिस्से में ही रहे होंगे। कभी यह राजमहल, कभी यह राजमहल कमली स्त्रियों पटरानियों से खिलखिलाता होगा, कभी यह राजमहल अब खंडहर जो बन गया है कमली स्त्रियों पटरानियों से खिलखिलाता होगा। समय की धारा में किंतु अब यह राजमहल समय की धारा में निरंतर बहते बहते अब इसके वर्तमान में शेष बचे हैं इस राजमहल के जीर्ण क्षीण खंडहर, अब शेष बचे हैं राजमहल के जीर्ण क्षीण खंडहर। मेरी अगली कविता है बहुत ही वैचारिक कविता है, तो कविता समझ में आएगी। इस अंधेरी काली रात में कौन गा रहा, शोकगीत। इस अंधेरी काली रात में कौन गा रहा शोकगीत करुणा और वेदना के, इस अंधेरी काली रात में कौन गा रहा शोकगीत करुणा और वेदना के। अस्थाई भाव से उत्पन्न आखिर क्यों, प्रश्न है आखिर क्यों अब शोकगीत गाने की आवश्यकता पड़ी है, आखिर क्यों अब शोक गीत गाने की आवश्यकता पड़ी है। संभवतः शोक गीत को गाने वाले अच्छी तरह से समझ गए हैं इस पृथ्वी का भविष्य, संभवतः शोक गीत को गाने वाले अच्छी तरह समझ गए हैं इस पृथ्वी का भविष्य। ठहरो ठहरो आसमान को छूने वालों, ठहरो आसमान को छूने वालों, अपने महत्वाकांक्षा के अहंकार से भूल गए हो। ठहरो आसमान को छूने वालों, अपने महत्वाकांक्षा के अहंकार से भूल गए एक दिन इस दुनिया में इन प्रलयकारी हथियारों से विश्व युद्ध हुआ तो धू धू कर जल उठेगी हमारी पृथ्वी। एक दिन इस दुनिया में इन प्रलयकारी हथियारों से विश्व युद्ध हुआ तो धू धू कर जल उठेगी हमारी पृथ्वी, हमारी दुनिया, हमारी दुनिया। सिर्फ बचेगा राख। अभी समय शेष है, सचेत हो जाओ, नहीं तो
अभी समय शेष है, सचेत हो जाओ, नहीं तो शोक गीत गाने का सिलसिला चलता रहेगा, नहीं तो शोक गीत गाने का सिलसिला चलता रहेगा, सिलसिला चलते रहेगा। मेरी अगली कविता है मेरी गवाही। मेरी गवाही सचमुच जनता की अदालत में कविता के माध्यम से गवाही देना चाह रहा हूँ। तो आपने अपनी कविता पढ़ रहा हूँ मेरी गवाही, ध्यान दीजिएगा। यह कविता सिर्फ शब्दों के ढेर नहीं है, यह कविता सिर्फ शब्दों के ढेर नहीं है, मेरी गवाही है जनता की अदालत, मेरी गवाही है जनता की अदालत में इस दुनिया के तमाम लोगों के लिए, इस दुनिया के तमाम लोगों के लिए चेतावनी भी है, इस दुनिया के तमाम लोगों के लिए चेतावनी भी है। उनकी कदम तेजी से बढ़ते जा रहे भयानक भविष्य की ओर, उनके कदम तेजी से बढ़ते जा रहे भयानक भविष्य की ओर, यदि इस पर विराम नहीं लगाया गया तो, यदि इस पर विराम नहीं लगाया गया तो इस दुनिया को महाप्रलय से बचाया नहीं जा सकता, इस दुनिया को महाप्रलय से बचाया नहीं जा सकता, इसलिए सचेत हो जाओ, अभी भी समय शेष है, इसलिए सचेत हो जाओ, अभी भी समय शेष है, बचा लो अपनी रंगीन दुनिया को, बचा लीजिए अपनी इस रंगीन दुनिया को, इस पृथ्वी को, इसी तरह से तुम्हारे कदम बढ़ते रहे तो, इसी तरह से तुम्हारे कदम बढ़ते रहे तो तुम्हारी यह रंगीन दुनिया तब्दील हो जाएगी, तुम्हारी यह रंगीन दुनिया तब्दील हो जाएगी राख की ढेर में, राख की ढेर में। मेरी अगली कविता है एक और पटकथा क्यों, शीर्षक है एक और पटकथा क्यों। बहुत सारे प्रश्न, एक और पटकथा क्यों लिखे हैं, बहुत सारे मेरे प्रश्न हैं और इसका जवाब आप लोगों को ढूंढना है। बहुत ही सार्थक कविता और जैसा कि मेरी जो लेखनी है, मेरा जो लेखन है वो समाज की विसंगतियों को उकेरना है और जो उनके खतरे हैं उससे सचेत करना है, उन खतरों के माध्यम से उनको जागृत करना है, एक दिशा प्रदान कर रही है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कविताओं के माध्यम से, जो मैं कविता पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे प्रश्न कविता में रहते हैं, लीजिए प्रस्तुत है एक और पटकथा क्यों। एक और पटकथा क्यों, सदरंग होती दुनिया के लिए, एक और पटकथा क्यों, इस बदरंग होती दुनिया के लिए, क्योंकि कुछ लोग मुखौटे लगाए, क्योंकि कुछ लोग मुखौटे लगाए बेधड़क घूम रहे सड़कों पर, क्योंकि कुछ लोग मुखौटे लगाए बेधड़क घूम रहे सड़कों पर और ढोल पीट रहे हैं और
ढोल पीट रहे आदर्शवादी और नैतिकता। कुछ लोग मुखौटे लगाए बेधड़क घूम रहे सड़कों पर और ढोल पीट रहे आदर्शवादी और नैतिकता का। आत्मसात कर लेने का रंगमंच के परंपरागत कलाकार हैं, जो अभिनय में निपुण हैं, उनके पास ऐसे शब्द हैं जो हमारी भावनाओं को, हमारी संवेदना को बंदी बना लेते हैं। हम लोग अज्ञानता के मसाल लिए नारे ही लगाते जाते हैं। उनके पास प्रवचन के शब्दों की बहुत लंबी सूची है। जहाँ सत्य और सत्य के तत्व भी हमें फंस गया हो ऐसे समय में, जब कविता मौन हो जाए इस बदरंग होती दुनिया में, जहाँ बुद्धिजीवी अपने अपने विचारधारा की अंध भक्ति में फंस कर गहन निद्रा में सो जाए जहाँ बुद्धिजीवी अपने अपने विचारधारा के अंध भक्ति में फंस कर गहन निद्रा में सो गए हो, उनकी उपयोगिता नग्न होती जा रही हो उनकी उपयोगिता नगण्य होती जा रही हो समय भी उनके नकारेपन को देख रहा है ऐसे संवेदनशील समय में कविता की उपयोगिता को गौण हो जाए, ऐसे समय में एक और पटकथा न लिख कर मौन हो जाना कितना उचित है। कविता सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं है गीत में प्यार के तराने नहीं है। मॉडर्न पेंटिंग की तरह नहीं कविता युग बोध की उद्घोषक है। कविता युग बोध की उद्घोषक होती है। मेरी अगली कविता है और मैं समझता हूँ कि ये मेरी आखिरी कविता होगी। इस कविता में बहुत सारे प्रश्न हैं और ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि आप जो हमारे बौद्धिक श्रोता है, जो कविता की वो गहराई से समझते हैं, का जवाब आपको देना है। मेरी कविता है, कविता में बहुत सारे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर जहाँ होगा ही आपको तय करना है। लोगों ने पहन लिए हैं विभिन्न विचारधारा के लिए तय शुदा रंगों से निर्मित मुखौटे बच्चों के खेलने वाले साधारण मुखौटे नहीं है। ये बच्चों के खेलने वाले
साधारण मुखौटे नहीं है, विचारधारा के बाजार से अपने अपने पसंद से खरीदे गए मुखौटे। अपने अपने पसंद के विचारधारा के बाजार से अपने अपने पसंद के खरीदे गए मुखौटे हैं। जो व्यक्ति जिस रंग के मुखौटे पहन लेते हैं, बदल जाती है उनकी आत्मा और विरोधीमान। जो व्यक्ति जिस रंग के मुखौटे पहन लेते हैं, बदल जाती है उनकी आत्मा और विरोधीमान। उनकी सभा मंडल में फंस कर उस मुखौटे के सभा मंडल में फंस कर उनका ही गुणगान करते हैं और दूसरों को नकार देते हैं और दूसरे मुखौटे वाले को नकार देते हैं। उनके प्रति नफरत से उनके विचार, वाणी के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, वाणी के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। दुनिया के इतिहास में मुखौटों का प्रभाव सर्वत्र दिखाई पड़ता है। इसी विचारधारा के आपसी टकराहट से दुनिया का इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है। मुखौटे राष्ट्रवादी, समाजवादी, साम्यवादी विचारधारा के विभिन्न प्रकार के रंगों से निर्मित है। जो जिस रंग के मुखौटे पहन लेते, उसी का गुणगान करते हैं। यह मायावी मुखौटे फिर चढ़कर बोलता है ए मुखौटे पहने लोग तुम्हें नमन है। उसके प्रभामंडल में फंस कर बदल गई तुम्हारी आत्मा। दूसरे प्रकार के मुखौटे वाले लोगों के प्रति नफरत ही नफरत है। दूसरे प्रकार के मुखौटे पहने लोगों के प्रति नफरत ही नफरत है। धन्यवाद। महत्वपूर्ण पटल पर यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब पर प्रसारित होगा। मैंने बहुत सारी कविताएं आप लोग के सामने सारी कविताओं का पाठ किया। आशा करता हूँ कि मेरी कविताएं आप सबको अच्छी लगी होंगी। मेरी कोशिश रहती है कि कविता केवल मनोरंजन न करें बल्कि आज की पीड़ा को और भविष्य के खतरे को और हमारी संवेदना को और तमाम विसंगतियों को अभिव्यक्त करने का काम करें। यही मेरा प्रयास रहता है। आशा करता हूँ कि आप सबने मेरी कविताओं को सुना होगा। फिर से मैं इस मंच के सूत्रधार जिन्होंने मुझे अवसर दिया मेरी कविताएं आप लोगों के बीच पहुंचे, मैं हाई
देवेंद्र जोशी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने फिर से आप लोगों के बीच अपनी कविताओं को सुनाने का अवसर हमें मिला। और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी मैं अपनी कविताएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।